हो डियर स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ओपनिंग ए प्रोग्राम ऑल ऑफ द गिवेन स्टेप्स टू ओपन ए सेव्ड प्रोग्राम यहाँ पे बता रहा है कि आप कोई भी प्रोग्राम सेव किए हुए हैं क्यूबेसिक का तो उस प्रोग्राम को कैसे हम ओपन करेंगे उसके बारे में यहाँ बता रहा है कि उसका स्टेप बाई स्टेप कैसे हम ओपन करेंगे प्रोग्राम को स्टेप वन में क्लिक ऑन फाइल सबसे पहले आप फाइल पे क्लिक करोगे जैसे कि यहाँ पे देखिए फिगर नाइन पॉइंट फोर ए में दिखाया गया है ओपन कमांड का यहाँ पे जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिखाया गया, गया भी है फिगर में भी तो सबसे पहले देखिए फाइल पे क्लिक करते हैं फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक मैसेज आता है वहाँ से आपको ओपन चूज़ करना है ओपन पे क्लिक करने के बाद द डा ओपन डायलॉग बॉक्स एपियर स्टेप टू चूज़ द नेम ऑफ द फोल्डर और डायरेक्टरी एंड द फाइल दैट यू वान टू ओपन अब जो भी फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं ठीक है उस फाइल को यहाँ से ओपन करेंगे यहाँ पर आपको सारा फोल्डर दिखेगा कि किस फोल्डर में अपना फ़ाइल को सेव करके रखे हुए हैं उसमें से फाइल को चूज़ कर लेंगे स्टेप टू में देन फिर क्लिक कर देंगे ओके okay पे तो वो जो आपका फाइल होगा वो आपका यहाँ से ओपन हो जाएगा तो इस तरह से हम क्यू बेसिक में कोई भी फाइल को ओपन करते हैं नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम अब आप प्रोग्रामिंग किए हुए हैं तो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे रन कैसे करेंगे उसके बारे में यहाँ समझाया गया है ए प्रोग्राम मस्ट बी एग्जीक्यूटेड टू सी द आउटपुट एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम इज ऑल्सो नोन एज रनिंग प्रोग्राम एक्जीक्यूटिंग जो प्रोग्राम होता है उसको रनिंग प्रोग्राम भी कहा जाता है टू एग्जीक्यूट क्लिक ऑन रन सबसे पहले रन पे क्लिक करेंगे स्टेप वन में देन एक डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें स्टार्ट फर्स्ट में ही मिलेगा स्टार्ट स्टार्ट चूज करेंगे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे द आउटपुट स्क्रीन अपीयर विच शो द रिजल्ट और आउटपुट द प्रोग्राम यहाँ पे जो फिगर नाइन पॉइंट फाइव वी में दिखा रहा है ये ब्लैंक स्क्रीन यहाँ पे आपको आउटपुट दिखेगा कि जो आप कोडिंग किए हुए हैं प्रोग्रामिंग किए हुए हैं उसका आउटपुट क्या आएगा वी कैन गो बैक टू द वर्क एरिया बाई प्रेसिंग द यानी कि अब कोई भी की फिर प्रेस करने से फिर से आपका जो है वो मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे चले जाएगा और इसका एक शॉर्टकट की भी होता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान में रखना है हमेशा जो कि टिप्स और ट्रेक में दिया हुआ है टू रन ए प्रोग्राम इन क्यूबेसिक प्रेस एफ फाइव एफ़ फाइव की जब फंक्स लड़की प्रेस करोगे तो यहाँ से भी हम क्यूबेसिक के फाइल को रन करवा सकते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग एक्जि, क्यू वी सिक्सटी फोर अब मान लीजिए आप काम कर लिए हैं प्रोग्रामिंग आपका कंप्लीट हो चुका है अब इस फाइल से अगर आपको बाहर जाना एग्जिट होना है तो उसके लिए क्या करेंगे जो कि नॉर्मली और सब में सॉफ्टवेयर में भी रहता है आप फाइल पे क्लिक करोगे फ़ाइल पे क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आएगा सबसे नीचे देखोगे एग्ज़िट एग्ज़िट कमांड होगा एग्जिट कमांड पर क्लिक करने से वो आपका जो प्रोग्राम ओपन होगा वो आपका क्लोज हो जाएगा अब नेक्स्ट टॉपिक है कांस्टेंट एंड वेरिएबल इन क्यूबेसिक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप कोडिंग करते हो प्रोग्रामिंग करते हो तो आपको ये कांस्टेंट और वेरिएबल समझना पड़ेगा कि कांस्टेंट क्या होता है वेरिएबल क्या होता है कैसे ये हम यूज़ करते हैं इसी के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है कि बिफोर वी लर्न अबाउट द स्टेटमेंट इन क्यूबेसिक अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल अब अगर क्यूबेसिक आप सीख रहे हैं तो इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत ही जरूरी है दे आर इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ अ क्यूबेसिक प्रोग्राम सबसे पहला है कांस्टेंट ए कांस्टेंट एज द नेम सजेस्ट इज अ वैल्यू दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम कॉन्सटेंट मीन्स ही होता है फिक्स वैल्यू मतलब ऐसा वैल्यू जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होते रहता है जब प्रोग्राम रन करता है उस टाइम भी उसका वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं मीन्स कॉन्सटेंट का जो वैल्यू होता है वो फिक्स होता है जो फिक्स वैल्यू होता है उसी को हम कॉन्सटेंट कहते हैं बेसिक हैज़ टू टाइप्स ऑफ कॉन्सटेंट बेसिक में दो तरह का कॉन्सटेंट होता है फर्स्ट होता है न्यूमेरिक कॉन्सटेंट और सेकेंड स्ट्रिंग कॉन्सटेंट न्यूमेरिक कॉन्सटेंट क्या होता है न्यूमेरिक कॉन्सटेंट्स आर पॉजिटिव और निगेटिव नंबर विथ और विदाउट डेसिमल पॉइंट्स मीन्स यहाँ न्यूरिक कॉन्स्टेंट में आपको पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर दोनों मिलेगा चाहे वो डेसिमल में हो या सिंपल इंटीजर में हो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया ट्वेल्व फिफ्टीन पॉइंट सेवन माइनस फोर्टीन माइनस ट्वेंटी सेवन पॉइंट एट नाइन ये सब सारा जो आपको दिया गया ये एग्ज़ाम्पल है न्यूरिक कॉन्सटेंट का अगर इस तरह का डाटा रहेगा तो हम कह सकते हैं कि ये न्यूमेरिक कांस्टेंट है न्यूमेरिक कांस्टेंट जो है इस तरह से हम असाइन करते हैं सेकंड है स्ट्रिंग कांस्टेंट स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट आर अ सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स डिजिट्स कैरेक्टर्स सच एज हैस एंड परसेंटेज इंक्लूज इन डबल कोटेड क्या स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट जो होता है वो अल्फाबेटिकल या डिजिटल डिजिट्स या कैरेक्टर का एक सिक्वेंस होता है और ये आपको जो रहता है ज़्यादातर डबल कोटेड में रहता है या परसेंटेज के साइन के अंदर में या हेज़ के साइन में जैसे कि एग्ज़ाम्पल से आपको क्लियर होगा यहाँ पे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दिया प्रोग्रामिंग इज़ अ फन यहाँ पे प्रोग्रामिंग इज़ अ फन जो ये स्ट्रिंग दिया हुआ है यहाँ पे देखिए डबल कोटेड से इसको वो मतलब डबल कोटेड के अंदर में लिखा गया है तो हम समझ जाएंगे कि डबल कोटेड में अगर कोई भी रहे तो हम स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट कहेंगे ये स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट है आपको ये क्वेश्चन भी मिलेगा कि पहचानने के लिए स्ट्रिंग कांस्टेंट कौन सा है और न्यूमेरिक कांस्टेंट कौन सा है तो आपको ध्यान में रखना है कि नंबर फॉर्म में जो कोई भी हो तो न्यूमेरिक कांस्टेंट होता है और स्ट्रिंग कांस्टेंट में जो है अगर डबल कोटेड के अंदर में रहता है तो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट होता है नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल वेरिएबल्स क्या होता है ए वेरिएबल इज असाइंड टू असाइंड एन एरिया इन द मेमोरी दैट कैन बी यूज टू स्टोर अ वैल्यू मीन्स वेरिएबल जो होता है जो मेमोरी का एक ऐसा एरिया होता है जो कोई भी वैल्यू को अपने अंदर में स्टोर कर करके रखता है और वेरिएबल का मतलब होता है चेंजेबल वैल्यू होता है द वैल्यू स्टोर द वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एजन और प्रोग्राम का जब एग्जीक्यूशन चलते रहता है तो इस टाइम इसका वैल्यू को हम जो है क्या कर सकते हैं चेंज भी कर सकते हैं मतलब वेरिएबल का मीन्स हो गया चेंजेबल वेरिएबल तो हम लोग देखेंगे आगे वेरिएबल का भी टाइप होता है दो तरह का वेरिएबल होता है न्यूरिक वेरिएबल और कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग uh, वेरिएबल होता है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे ओके okay.